किसान आंदोलन का 18वां दिन है। सरकार परीक्षा ले रही है लेकिन किसान जो है वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है। 14 से हंगर स्ट्राइक की बात हो रही है, पैन इंडिया और तेज किया जा रहा है। डॉक्टर उदित राज हैं, किसान आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे हैं। सर क्या लग रहा है, किसान की सरकार की क्या पॉलिसी हो सकती है, अब तो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार पहले हल्के में लिया, जैसे CNRC वाले मामले में गोदी मीडिया के माध्यम से बदनाम करना, ISI एजेंट कहा और पाकिस्तानी कहा। शुरुआत में यहाँ भी ऐसे ही किया कि खालिस्तानी हैं, फिर पाकिस्तानी, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन जन आंदोलन बन गया है। अभी सूचना मिली है कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर भी जाम हो चुका है। तो कल तो जाम करना था लेकिन भारी पुलिस की तैनाती की वजह से नहीं हो पाया है। और वहाँ बंगाल, गुजरात और राजस्थान के भी किसान आए। तो ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है, और जो पहले तो मोदी ही झूठ बोलते थे लेकिन सारे मंत्रियों को वही रोग लग गया झूठ बोलने का, झूठ बोलना झूठ बोलना, और जो गोदी मीडिया का दुष्प्रचार। लेकिन अब किसानों का आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया है और इनको तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लड़ाई दलितों को लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पाए, क्योंकि दलितों में जाति के नाम पर बंटवारा हो गया है, अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार पैदा हो गया है। तो सब लोग वहाँ पर अपने अपने संगठन बना लिए हैं, लेकिन ये निजीकरण के खिलाफ लड़ाई है। इसमें सबका भला है, दलित आदिवासियों का भला, क्योंकि ज़्यादातर अंबानी ही जो तेल का सेक्टर है, गैस का है, कम्युनिकेशन का है, BSNL का है, खरीदने का काम उधर, कोल है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, सारा चीज़ ये अडानी। तो जो ये सरकार बेच भी रही इन्हीं को, तो इन्हीं के वजह से निजीकरण हो रहा है। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना अपने हित में है, तो पूरे देश के दलितों का, आदिवासियों को निकलना चाहिए, आना चाहिए, बैठना चाहिए, और ऐसे ही आना चाहिए, सपोर्ट मारल देना चाहिए। हम तो जितने लोग हैं उतने कह सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन सबके हित में है। और जो ये भंडारण का जो कोई सीमा नहीं रह गई है, तो फसल के समय में तो सस्ता खरीदेंगे, उसके बाद में महंगा करके बेचेंगे। क्या लग रहा है इस आंदोलन, आपने तो लंबा अनुभव है, आपको आंदोलन देखा है, पैन इंडिया आंदोलन है और लोग कम से कम समर्थन तो कर ही रहे हैं। वही तो मैं आपसे कहा कि आज बंगाल के, गुजरात के, राजस्थान के भी किसान दिल्ली की सीमा पर आ गए। तो जो पहले ये कह रहे थे कि तो केवल सिख हैं, यहाँ ज़रूर ज़्यादा सिख है लेकिन टिकरी पे तो हरियाणा के लोग हैं, गाजीपुर पे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अभी हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर वो लोग वहाँ के हैं, बंगाल के हैं, गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं। तो आंदोलन तो पूरा देशव्यापी हो चुका है। सरकारें अमूमन आंदोलन से डरती है, ऐसी क्या वजह लग रही है कि मोदी सरकार को क्या वोट की चिंता नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं कि EVM वाला मामला है वो सही लग रहा है? EVM एक सिक्योरिटी है इनकी, दूसरी सिक्योरिटी है गोदी मीडिया कि इनको बदनाम कर दिया जाए, वरना ये सरकार कैसे नहीं झुकती। और ये सबको अब पता लगा कि ये अडानी अंबानी ने 2017-18 से तैयारी कर लिया था, और ये मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी अंदर अंदर तैयारी करके तब आनन फानन में ये बिल लेकर के आए हैं। कोविड के समय में कौन सा ज़रूरी था ये बिल, तो लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा तानाशाही उसकी चल ही जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब से गिरावट शुरू हो गई है। EVM के खिलाफ लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। नया संसद, नया संविधान आने की उम्मीद है, क्या आशंका लगाई जा रही है? ये कुछ भी कर सकते हैं अगर इनको नहीं हटाया गया तो। नया संसद तो ला ही दिया, जबकि देश की जनता भूखी है, कोविड के जो मरीज हैं उनको दवा नहीं पहुंच पा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूज है, 20,000-22,000 करोड़ का जो नया पार्लियामेंट ले आ रहे हैं, विस्टा ला रहे हैं, 8,500 करोड़ का अपने लिए जहाज खरीदा है,
तो गरीब देश का ये जो सम्राट, प्रधानमंत्री नहीं सम्राट, तो ये मस्त राजा तानाशाह जिसको चिंता नहीं है, लेकिन झूठ बोल बोल कर, अफवाह करके, षड्यंत्र करके, दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह करते चले जा रहे हैं। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इतना मैसिव प्रोटेस्ट है, उसके बाद भी सरकार जो है वो बिल लेने को तैयार नहीं है, वापस लेने को। इससे शक पैदा होता है कि क्या ये सरकार वोट से डरती भी है या नहीं डरती है। बाकी कहानी आपको पता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।